वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी और आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसी कुरकुरी क्रिस्पी आलू की टिक्की। इसको बनाना बहुत आसान है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मोस्टली घर पे मिल ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। क्रिस्पी आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 बॉयल किए हुए आलू और इनको हम हाथ से अच्छे से मुशी कर लेंगे। इनको आप हाथ से बिल्कुल मैश कर लें अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ये टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्प बनेंगी। इसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम स्टफिंग में भी सॉल्ट डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इन सबको तो ये देखिए हमने इसका एक डो के जैसा तैयार कर लिया है और आइए अब हम इसके लिए एक स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट या काला नमक, 1 टीस्पून महीन कटा जिंजर या अदरक, 1 महीन कटी हरी मिर्ची और करीब 2 टेबलस्पून महीन कटा हरा धनिया। हम इन सबको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो आलू हमने यहाँ इसलिए डाला है जिससे कि स्टफिंग जो है वो भरने में आसानी रहेगी। अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लेंगे। ऐसा करने से स्टफिंग जो है वो आराम से आप टिक्कियों में भर सकते हैं। और आइए अब हम टिक्कियाँ तैयार करेंगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने हाथों को हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम अपने आलू का मसाला लेंगे जो कि पहले हमने तैयार किया था। इसको हल्का सा चपटा कर देंगे और साइड से इसको इस तरह से फैला लेंगे। और अब हम अपनी एक ये स्टफिंग लेंगे और इसको इस मसाले में भरेंगे और इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। इसको हाथों से, हल्के हाथों से बिल्कुल हम रोल करेंगे, इसको हल्का सा चपटा करेंगे और इसके साइड्स भी इस तरह से एक सार कर देंगे। तो ये देखिए टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। आइए हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम ये टिक्कियाँ गर्म तेल में डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे इनमें। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं, कितनी गोल्डन ब्राउन क्रिस्प हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे और इनको सर्व करेंगे। हमारी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी आलू की टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये, यम्मी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।